भाई राजीव जी। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, भारत देश में गुलामी की जो निशानियां बची हुई हैं, इस विषय पर बात करूंगा। भारत देश कहां कहां अभी भी गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का। भारत देश अभी भी कहां कहां गुलाम है विदेशियत का, इस विषय पर मुझे आपसे बात करनी है। अगर हम भौतिक रूप से देखेंगे तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन जैसे किसी का शरीर होता है जो भौतिक इकाई है, ऐसे शरीर की एक और इकाई होती है जिसको हम आत्मा कहते हैं, मन कहते हैं। बिना आत्मा और बिना मन के शरीर का अस्तित्व नहीं है। वैसे ही राष्ट्र का होता है, राष्ट्र का एक भौतिक शरीर होता है जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है, राष्ट्र की अपनी एक आत्मा भी होती है, राष्ट्र का अपना एक मन भी होता है। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को भारत भौतिक रूप से अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया, भारत की सत्ता का हस्तांतरण भारतवासियों के हाथ में हो गया, लेकिन मन और आत्मा से अभी भी भारत देश गुलाम है अंग्रेजों का, अंग्रेजियत का, विदेशियत का। ये मन और आत्मा की गुलामी क्या है? वो गुलामी ये है कि कहने को हमें 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता भी आई नहीं है और गणतंत्र हमारा अभी बना नहीं है। अगर स्वतंत्रता शब्द का अर्थ समझने की आप कोशिश करेंगे तो इसको संधि विच्छेद करें, स्व और तंत्र। स्व माने अपना, हमारा, तंत्र माने व्यवस्था, जिसको अंग्रेजी में सब सिस्टम कहते हैं। तो हमारा तंत्र या हमारी व्यवस्था स्थापित हो तो हम कहें कि भारत स्वतंत्र है। लेकिन आजादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी हमारे भारत देश की एक भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हमारी अपनी स्थापित की हुई हो। एक भी तंत्र हमारे देश में ऐसा नहीं बन पाया जो हम भारतवासियों के प्रयासों से और हमारे अभिक्रम से बना हो। हमारे यहां सभी व्यवस्थाएं, हमारे सभी तंत्र अंग्रेजों के बनाए हुए हैं और अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो कोई भी देश जब आजाद होता है किसी दूसरे देश की गुलामी से, तो सबसे पहले वो देश, सारी दुनिया का इतिहास ये बताता है कि दुनिया में कभी भी कोई देश गुलाम हुआ और फिर आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद कोई भी देश अपनी भाषा को ठीक करता है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और भाषा किसी भी देश के विकास की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हम भारत का विकास करना चाहते हैं, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाना चाहते हैं, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारी भाषा की व्यवस्था ये अपनी होनी चाहिए, तभी हम भारत को दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में जो देश भी सबसे ऊपर गए हैं उन्होंने ऐसा ही किया है। हम किसी भी देश का नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं, जैसे अमेरिका नाम का देश दुनिया में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा। आज से करीब लगभग 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई खास अस्तित्व नहीं था पूरी दुनिया में। 200 वर्ष पहले के इतिहास की किताबों में ढूंढेंगे तो अमेरिका के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन पिछले 200 वर्षों में अमेरिका बहुत ऊंचाई पर गया। 1776 के बाद से लेकर अभी 2009 आ गया, अमेरिका बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया पिछले 225 वर्षों में। तो अमेरिका ने क्या किया है? अपनी भाषा को, अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने अनुकूल बनाया गुलामी से आजाद होने के बाद। चीन नाम का एक देश बहुत ऊंचाई पर पहुंचा पूरी दुनिया में, तो चीन ने क्या किया? 1949 में चीन में जो सांस्कृतिक क्रांति हुई, माओ वहां का सबसे बड़ा नेता था, तो माओ के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, माओ उसी तरह का नेतृत्व चीन के लोगों को प्रदान किया था जैसे आज हमारे परम पूजनीय स्वामी जी भारत को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन जैसे भारत में करने की कोशिश आज हो रही है भारत स्वाभिमान की मदद से,
और उसके सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी हैं, वैसा ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलन माओ ज़ेडोंग ने किया था चीन में और बहुत सफल हुआ था, और उसके बाद चीन पूरा बदल गया। माओ ने जब अपने चीन को बदला तो उसने भी सबसे पहले अपनी भाषा को और अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। ऐसे ही जापान का उदाहरण है, ऐसे ही अगर हम और दूसरे देशों का उदाहरण लें, जापान भी गुलाम हुआ है, और जापान तो तीन तीन देशों का गुलाम हुआ है। अमेरिका ने जापान को गुलाम बनाया, डच लोगों ने जापान को गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने जापान को गुलाम बनाया। तो जापान ने आजादी के बाद भी वही किया, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी भाषा व्यवस्था को बहुत अच्छे से दुरुस्त किया। दुनिया के और छोटे देशों का उदाहरण दें, क्यूबा का दें, ब्राजील का दें, मेक्सिको का उदाहरण दें, या स्पेन का उदाहरण लें, स्वीडन का लें, स्विट्जरलैंड का लें, डेनमार्क का लें, नॉर्वे का लें, दुनिया के किसी भी छोटे बड़े देश का उदाहरण आप देखें और इतिहास पढ़ें तो आपको एक बात सभी देशों में समझ में आएगी, वो कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम हुआ है। आजाद होने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपनी भाषा व्यवस्था को दुरुस्त किया है और फिर शिक्षा को दुरुस्त किया है। भारत के बारे में जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो यहां उल्टा चित्र नजर आता है, बिल्कुल विपरीत चित्र नजर आता है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजादी के बाद भारत ने अंग्रेजों की भाषा को नहीं बदला, अंग्रेजों की भाषा अभी भी इस देश में चल रही है। भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत ने आज तक अपनी शिक्षा व्यवस्था को नहीं बदला, अंग्रेजों की बनाई गई पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था आज भी इस देश में चल रही है। आप अक्सर एक नाम सुनते होंगे, आपस में बातचीत होती है, अखबारों में खबरें छपती हैं, टेलीविजन पे खबरें आती हैं, तो एक नाम में आता है मैकॉले, मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था, मैकॉले का शिक्षा तंत्र, मैकॉले का बनाया हुआ पाठ्यक्रम। ये मैकॉले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी 1840 के साल में भारत में शिक्षा के लिए एक पाठ्यक्रम तय करके चला गया। मैकॉले ये कहता था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करनी है जिसको पढ़ने के बाद भारतवासी शरीर से दिखने में भारतीय भले हों, लेकिन आत्मा से और मन से अंग्रेजियत से भर जाएं और अंग्रेजों जैसे हो जाएं। जब हम आत्मा और मन से अंग्रेजों जैसे हो जाएंगे तो वो कहता था कि हमें फिर भारत को गुलाम बनाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास नहीं करने पड़ेंगे, भारतवासी बहुत आसानी से और सहजता से हमारे गुलाम हो जाएंगे। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैकॉले छोड़कर गया, वो अभी भी इस देश में चल रही है। दुख है, दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा, जिसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं या मेडिकल की शिक्षा कहते हैं, इसमें अंग्रेजों ने जो पाठ्यक्रम तय कर दिया वो लगभग 140 साल से वैसे का वैसा ही चल रहा है। तो हमने पाठ्यक्रम नहीं बदला, हमारी भाषा नहीं बदली, और भाषा और शिक्षा के स्तर पर छोटा सा बदलाव भी हम नहीं कर पाए। मुझे और एक अफसोस की बात आपसे कहनी है, वो ये कि अंग्रेजों ने जिस शिक्षा व्यवस्था को भारत में लागू किया वो शिक्षा व्यवस्था उन्होंने अपने देश में लागू नहीं की। आप अगर अंग्रेजों के देश में जाएंगे देखने और समझने के लिए तो उनकी शिक्षा व्यवस्था भारत से बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में मैकॉले के द्वारा जो विषय तय किए गए उनमें से एक इतिहास विषय, जिसमें मैकॉले ने यह कहा कि भारतवासियों को सच्चा इतिहास उनका नहीं बताना है क्योंकि इनको गुलाम बना के रखना है, इसलिए इतिहास को विकृत करके भारत में पढ़ाया जाना चाहिए। तो भारत के इतिहास को पूरी तरह से उन्होंने विकृत कर दिया। सबसे बड़ी विकृति जो हमारे इतिहास में अंग्रेजों ने डाली, जो आज तक जहर बनकर हमारे खून में घूम रही है, वो विकृति ये है कि हम भारतवासी आर्य कहीं बाहर से आए। सारी दुनिया में शोध हो चुका है कि आर्य नाम की कोई जाति भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं थी, तो बाहर से कहां से आ गए हम? फिर हमको कहा गया कि हम सेंट्रल एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। मध्य एशिया में जो जातियां इस समय निवास करती हैं, उन सभी जातियों के डीएनए लिए गए। डीएनए आप समझते हैं, जिसका टेस्ट करके कोई भी बात की पक्की सूचना ली जाती है। तो दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया में, पूर्व एशिया में, तीनों स्थानों पर रहने वाली जातियों के नागरिकों के रक्त इकट्ठे करके उनका डीएनए टेस्ट किया गया और भारतवासियों का डीएनए टेस्ट किया गया, तो पता चला कि भारतवासियों का डीएनए दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, पूर्व एशिया के किसी भी जाति समूह से नहीं मिलता है,
तो ये कैसे कहा जा सकता है कि भारतवासी मध्य एशिया से आए, आर्य मध्य एशिया से आए? इसका उल्टा तो मिलता है कि भारतवासी मध्य एशिया में गए, भारत से निकलकर दक्षिण एशिया में गए, पूर्व एशिया में गए, मध्य एशिया में गए और दुनिया भर में सभी स्थानों पर गए और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय धर्म का उन्होंने पूरी ताकत से प्रचार प्रसार किया। तो भारतवासी दूसरी जगहों पर जाकर तो प्रचार प्रसार करते हैं, उसके प्रमाण हैं, लेकिन भारत में कोई बाहर से आर्य नाम की जाति आई इसके प्रमाण अभी तक मिले नहीं और इसकी वैज्ञानिक पुष्टि भी नहीं हुई। इतना बड़ा झूठ अंग्रेज हमारे इतिहास में लिख गए और भला हो हमारे इतिहासकारों का, उस झूठ को अंग्रेजों के जाने के बाद भी पढ़ा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दुनिया के जेनेटिक विशेषज्ञ जो हैं, जो डीएनए आरएनए आदि आदि की जांच करने वाले विशेषज्ञ हैं, इनकी एक बड़ी भारी परिषद हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी और वो कॉन्फ्रेंस का जो रिसर्च का बिल्कुल अंतिम निर्णय है वो ये कहता है कि आर्य भारत में कहीं बाहर से नहीं आए थे, आर्य सब भारतवासी ही थे, जरूरत और समय आने पर वो भारत से बाहर गए थे। अब आर्य हमारे यहां कहा जाता है श्रेष्ठ व्यक्ति को, जो भी श्रेष्ठ है वो आर्य है, कोई ऐसा जाति समूह हमारे यहाँ आर्य नहीं है। हमारे यहाँ तो जो भी जातियों में श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब आर्य माने जाते हैं, वो कोई भी जाति के हो सकते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं, क्षत्रिय हो सकते हैं, शूद्र हो सकते हैं, वैश्य हो सकते हैं, किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति अगर वो श्रेष्ठ आचरण करता है हमारे यहाँ उसको आर्य कहा जाता है। आर्य कोई जाति समूह नहीं है, वो सभी जाति समूहों में श्रेष्ठ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। ऊंचा चरित्र जिसका है, आचरण जिसका दूसरों के लिए उदाहरण के योग्य है, जिसका किया हुआ, जिसका बोला हुआ, जिसका कहा हुआ दूसरों के लिए अनुकरणीय है, वो सभी आर्य है। हमारे देश में परम श्रद्धेय और परम पूजनीय स्वामी दयानंद जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऊधम सिंह, अशफाक उल्ला, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कित्तूर चनम्मा, ये जितने भी नाम आप लेंगे ये सभी आर्य हैं, ये सभी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इन्होंने अपने चरित्र से दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इसलिए आर्य कोई हमारे यहाँ जाति नहीं है। राजा जो उच्च चरित्र का है उसको आर्य नरेश बोला गया, नागरिक जो हमारे यहाँ उच्च चरित्र के हैं उनको आर्य नागरिक बोला गया, भगवान श्री राम को हम आर्य कहे, आर्य नरेश कहा जाता था उनको, श्री कृष्ण को आर्य पुत्र कहा गया, अर्जुन को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को कई बार आर्य पुत्र का संबोधन दिया गया, या द्रौपदी को आर्य पुत्री का संबोधन कई जगह है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे यहाँ तो आर्य कोई जाति समूह है ही नहीं, ये तो सभी जातियों में श्रेष्ठ आचरण धारण करने वाले लोग, धर्म को धारण करने वाले लोग आर्य कहलाए हैं। तो अंग्रेजों ने ये गलत हमारे इतिहास में घुसार दिया, अंग्रेजों ने एक पूरी दुनिया में एक झूठ प्रचारित किया, वो ये कि हजारों साल से भारत में विदेशी आते रहे हैं और भारत पर कब्जा करते रहे हैं, तो हम भी विदेशी हैं, हमने भी आकर भारत पर कब्जा कर लिया है। जब हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम हो सकता है तो हमारा भी गुलाम हो गया, इसमें कौन सी खास बात है? अंग्रेजों ने इतना बड़ा झूठ ये प्रचारित किया पूरी दुनिया में, हजारों साल से तो ये था ही नहीं। अंग्रेजों के आने से अगर ठीक ठीक पहले की जानकारी लें तो मात्र 1000 वर्ष पहले पहला विदेशी आया, मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर हमला किया और कुछ लूटपाट के चला गया। दूसरा आया महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारत से चला गया। फिर तैमूर लंग आया, नादिर शाह आया, अहमद शाह अब्दाली आया, लूटपाट करके चला गया। कुछ ही लोग थे जो भारत में आए जिन्होंने लूटपाट के साथ साथ इस देश में राज किया, वो मुगल थे, जैसे बाबर आया, बाबर ने लूटपाट ही नहीं की, भारत के एक इलाके पर थोड़े दिन राज भी किया, फिर बाबर के पुत्रों ने किया, फिर उनके पुत्रों ने किया। ये एक समय है 300 वर्ष का, इसको हम एक खास नजरिए से देखें तो अंग्रेजों का ये झूठ बिल्कुल समझ में आता है कि हजारों साल से भारत विदेशियों का गुलाम रहा, कभी भी नहीं रहा। इसके उल्टे अंग्रेज हजारों साल विदेशियों के गुलाम रहे, इसके प्रमाण तो पूरी दुनिया के सामने है। अंग्रेज सबसे ज्यादा समय रोमन लोगों के गुलाम रहे, रोमन साम्राज्य के गुलाम रहे, फ्रांसीसियों के गुलाम रहे, और मजबूत यूरोप के देशों ने अंग्रेजों को समय समय पर लूटा, हमला किया। तो अपने बारे में
सच को छुपा लेना और भारत के झूठ को सारी दुनिया में हवा देना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और बार बार वो कहते थे भारतीय संस्कृति तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो पाखंड पर आधारित है, ये तो अविश्वास पर आधारित है, इसमें कोई वैज्ञानिकता नहीं है, ये सारे दुनिया में वो कहते रहे। भारत में एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं, अंग्रेजों ने एक हमारे देश में झूठ और दुनिया में प्रसारित किया कि भारतवासी सभ्य नहीं है। तो अंग्रेजों से पूछा गया भाई क्यों सभ्य नहीं है, तो कहते थे कुछ भारतवासी ऐसे हैं जो कपड़े नहीं पहनते। अब हमारे भारत में एक समाज है जिसको हम जैन समाज कहते हैं, जैन समाज में एक दिगंबर पंथ के लोग हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते। वो ये मानते हैं कि ये वस्त्र भी जो हैं इनको भी छोड़ देना चाहिए। उनकी अपरिग्रह की भावना इतनी तीव्र होती है कि वो वस्त्रों को भी धारण करने में परिग्रह मानते हैं। तो जैन समाज के दिगंबर पंथ के लोगों ने वस्त्र छोड़ रखे हैं, तो उनके साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं। अब किसी अंग्रेज ने उनको देख लिया तो लिख दिया कि भारतवासियों को तो वस्त्र पहनना नहीं आता। आती अब हमारी दृष्टि से हम देखें उनको तो वो अपरिग्रह की चरम स्थिति में पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, त्याग की पराकाष्ठा पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि उनको कपड़े भी नहीं चाहिए। और अंग्रेजों की दृष्टि से देखें तो असभ्य लोग हैं क्योंकि कपड़े नहीं पहनते। इन अंग्रेजों को ये बात मालूम थी कि जब अंग्रेज जंगली और बर्बर थे सारी दुनिया में, तो सबसे ज्यादा कपड़ा भारत का ही बिकता था और भारत का ही बनता था। और खुद अंग्रेज हजारों साल तक भारत का कपड़ा पहनकर अपनी नग्नता को ढकते रहे, छिपाते रहे। अंग्रेजों से पहले के रोमन साम्राज्य की बात बताऊं तो 3000 साल रोमन साम्राज्य के सभी राजाओं ने, सभी रानियों ने और रोमन साम्राज्य के साधारण नागरिकों ने भारत के बने हुए कपड़े पहनकर अपने नंगेपन को ढका है और अपने नंगेपन को छुपाया है। वो तो कपड़ा बनाना नहीं जानते थे, पहनना तो बहुत दूर की बात है। जब यूरोप में कोई कपड़ा बनाना नहीं जानता था, सारी दुनिया में भारत का कपड़ा बिकता था। और 3000 साल भारत ने कपड़े का निर्यात करके सोना कमाया है। भारत का कपड़ा बिकता था तौल के हिसाब से, तराजू के एक पलड़े में कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में सोना रखा जाता था। भारत का कपड़ा अगर 1 किलो का थान है ना, तो बराबर 1 किलो सोना मिलता था उसके बदले में। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया है, इसलिए सारी दुनिया का सोना भारत में आया और इसलिए भारत सोने की चिड़िया बन गया। ये सत्य अंग्रेज जानते थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने इतिहास में यह डाल दिया कि भारतवासी तो असभ्य हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो हमारी संस्कृति को नीचा दिखाना, हमारी सभ्यता को नीचा बताना, हमारे इतिहास को विकृत कर देना, शिक्षा व्यवस्था को हमारा पूरा तहस नहस कर देना, हमारी भाषा को तहस नहस कर देना, इन सबके पीछे अंग्रेजों का मूल उद्देश्य अगर था तो एक, कि भारत को गुलाम बनाकर रखना है ताकि इस देश को लूटा जा सके। हम अगर किसी के गुलाम होते हैं तभी हम लूट सकते हैं, अगर हम स्वतंत्र और आजाद हैं हमें कोई नहीं लूट सकता। अंग्रेजों को यह मालूम था कि भारतवासी गुलाम नहीं बनेंगे आसानी से, क्योंकि मैकॉले अंग्रेजों की संसद में 2 फरवरी 1835 को यही भाषण दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं संपूर्ण भारत में घूमा, मैंने किसी को भिखारी नहीं देखा, किसी को चोर नहीं देखा, कोई गरीब नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है, शिक्षा में भारत बहुत ऊंचा है, सभ्यता और संस्कृति में भारत बहुत ऊंचा है। और अंत में कहता है हम भारत को गुलाम नहीं बना सकते तब तक जब तक कि भारतवासियों की रीढ़ की हड्डी, जो उनकी संस्कृति है और जो उनकी शिक्षा व्यवस्था है, इसको जब तक हम नहीं तोड़ेंगे भारत गुलाम नहीं बनेगा। तो संस्कृति को तोड़ना, शिक्षा को तोड़ना, सभ्यता को तोड़ना, ये सब जुड़ा हुआ है मन के तोड़ने से। तो हमारा मन गुलाम बने, हमारा मन टूटे, इसके लिए अंग्रेजों ने ये सारे प्रयास किए और उन प्रयासों में वो कामयाब हुए और भारत को 250 साल गुलाम बना के रख लिया। अब जैसे ही आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो हमें वो करना चाहिए था जो मैकॉले के किए का बिल्कुल उल्टा था। मैकॉले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था का नाश किया, 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे, 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी उन गुरुकुलों की मदद से, इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था,
धातु शास्त्र पढ़ाया जाता था, चिकित्सा शास्त्र होता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी, ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैको लेके एक कानून ने खत्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून के आधार पर संस्कृत को उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया और संस्कृत के आधार पर पढ़ाने वाले गुरुकुलों को प्रतिबंध लगा दिया, गुरुकुलों के आचार्यों को जिंदा जला दिया, उनके घरों में उनके घरों के साथ जला दिया, हाथ पर उनके काटे, उंगलियां काटी, भयंकर अत्याचार करके गुरुकुल बंद किए गए। आजादी के बाद क्या होना चाहिए था, जो कुछ मैकॉले ने किया उसका उल्टा करना चाहिए था भारत सरकार को। अंग्रेजी खत्म होनी चाहिए थी, अंग्रेजों के बनाए गए कॉन्वेंट स्कूल और पब्लिक स्कूल बंद होने चाहिए थे, और जो गुरुकुल कभी चला करते थे इस देश में, जिनके आधार पर 97% साक्षरता थी पूरे देश में, उनको पुनर्जीवित करना चाहिए था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना अंग्रेजी को खत्म किया, ना कॉन्वेंट स्कूल बंद किए, ना पब्लिक स्कूल बंद किए, ना वो झूठा इतिहास सरकार ने बदला। हमारे देश में भाषा अंग्रेजी है, भूषा अंग्रेजी है, भोजन अंग्रेजी है, भजन अंग्रेजी है, भेषज अंग्रेजी है, कानून अंग्रेजी है, कृषि व्यवस्था अंग्रेजी है, अर्थव्यवस्था अंग्रेजी है, चिकित्सा व्यवस्था अंग्रेजी है, हर स्तर पर अंग्रेजियत 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 छाई हुई है। एक दो उदाहरण से मैं मेरी बात और से स्पष्ट करता हूं। अंग्रेज गए तो जाने के समय उन्होंने 34,735 कानून इस देश में छोड़े, जो उन्होंने कभी भारत को गुलाम बनाने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों का एक तरीका था कि भारत को गुलाम बनाना है तो एक तरीका तो यह है कि सीधे मारो पीटो और लूटो और उनको गुलाम बना के रखो ताकत से। एक तरीका यह है कि मारना पीटना और लूटना हर समय संभव नहीं होता तो कानून बनाकर गुलाम बना के रखो। तो अंग्रेजों ने शुरू के 100 साल तक तो यही किया कि मारा पीटा भारतवासियों को और सीधे उनकी लूटपाट की और डरा के धमका के गुलाम बना के रखा। लेकिन 100 साल से ज्यादा इस काम को वो चला नहीं पाए, तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला कि कानून बना के भारतवासियों को लूटो पीटो मारो और इनको कब्जे में करके रखो। तो कानून बनाए उन्होंने, और जो जो कानून बनाए वो सबके सब कानून आजादी के बाद भी चल रहे हैं। मैं उदाहरण से बताता हूं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया भारत के क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने के लिए, मारने के लिए, पीटने के लिए, क्रांतिकारियों को दबा कर रखने के लिए, और उस कानून का नाम रखा उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट, भारतीय पुलिस अधिनियम। अब कानून में लिखा है इंडियन, लेकिन उसमें भारतीय कुछ नहीं है, वो सब इंग्लिश है, अंग्रेजियत वाला कानून है। अंग्रेजों ने दुनिया के जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, जैसे आयरलैंड को गुलाम बनाया, जैसे स्कॉटलैंड को गुलाम बनाया, जैसे न्यू साउथ वेल्स को गुलाम बनाया, अफ्रीका को गुलाम बनाया, इंडोनेशिया मलेशिया को गुलाम बनाया, चीन को बनाया, जापान को बनाया, दुनिया के 51 देशों को अंग्रेजों ने सीधे गुलाम बनाया, तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया वहां वहां के नागरिकों पर अत्याचार करने के लिए उन्होंने पुलिस बनाई और उस पुलिस के कानून बनाए। वही उन्होंने भारत में किया। सन 1860 में इंडियन पुलिस एक्ट नाम का एक कानून बना दिया। इस कानून को बनाने का जो इतिहास था वो 2-3 वाक्यों में मैं कहना चाहूंगा। 1857 में क्रांति हो गई पूरे भारत में, आप सभी जानते हैं, और अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी क्रांति कभी हुई नहीं थी इस देश में। भारत में 350 स्थानों पर अंग्रेजी सरकार को क्रांतिकारियों ने उखाड़ के फेंक दिया। 350 जिले थे भारत के जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए। झांसी आजाद हुआ, सतारा आजाद हुआ, पुणे आजाद हुआ, मुंबई आजाद हुआ, ऐसे 350 जिले भारत के आजाद हो गए। और इस क्रांति की लड़ाई में 1857 में 3,64,000 अंग्रेज मारे गए। तब अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई थी, तब अंग्रेजों की संसद में इस बात पर चर्चा हुई कि आगे भारत को फिर से गुलाम बनाना हो तो क्या करना चाहिए, तो भारतवासियों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत पैदा ना हो इसके लिए एक पुलिस व्यवस्था करनी चाहिए, पुलिस बनानी चाहिए, ताकि ये पुलिस अंग्रेजों की तरफ से भारतवासियों को दबाकर रख सके और इनके ऊपर जरूरत से अत्याचार कर सके। 1860 के पहले इस देश में अंग्रेजों की पुलिस नहीं थी, अंग्रेजों की सेना थी, उनकी मिलिट्री थी। 1860 के बाद उन्होंने सेना के साथ
पुलिस की भी स्थापना कर ली और इसके लिए पुलिस एक्ट बना और इसमें अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि जो भी पुलिस अधिकारी होगा वो भारतवासियों पर कितना भी अत्याचार कर सकेगा, लाठियों से मारेगा, लाठियों से पीटेगा और अगर कोई भारतवासी उसमें मर भी जाए तो अंग्रेज अधिकारी को कोई दोष नहीं लगेगा, उसको कोई दंड नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था की थी। इसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस माने अंग्रेज अधिकारी किसी भी भारतवासी को मारे पीटे और उसका सिर भी फोड़ दे और उसमें हत्या भी कर दे उसकी, तो अंग्रेज अधिकारी को दोष ना लगे, ऐसा नियम राइट टू ऑफेंस। और भारतवासियों को कोई भी मारपीट अगर हो रही है तो उससे अपना बचाव करने का मौका ना मिले, ये राइट टू ऑफेंस। अगर अंग्रेज अधिकारी लाठियों से पीट रहा है, आपने उसकी लाठी पकड़ने की कोशिश की तो आपके खिलाफ मुकदमा बनेगा, अंग्रेज के खिलाफ नहीं बनेगा, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की इंडियन पुलिस एक्ट में। इस कानून को 1860 में लागू किया गया और इसी कानून की ताकत से भारत के क्रांतिकारियों पर भयंकर अत्याचार किए। दुर्भाग्य हम सबका यह है कि वो इंडियन पुलिस एक्ट का कानून अभी आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी इस देश में चल रहा है, वैसे का वैसा ही चल रहा है। जिस तरह से अंग्रेज पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती थी, उसी तरह से आज की पुलिस भारतवासियों पर लाठियों से वार करती है। आपने अक्सर टीवी में समाचार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा, पुलिस ने लाठी चार्ज किया। ऐसे ही लाठी चार्ज होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने में होता था, कभी किसानों के ऊपर होता है, कभी मजदूरों के ऊपर होता है, कभी कारीगरों के ऊपर होता है, कभी कभी तो अफसोस है इस बात का कि अंधे लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, लूले लंगड़े लोगों पर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, शरीर से विकलांग लोगों के ऊपर पुलिस का लाठी चार्ज होता है, ऐसा हमेशा होता रहता है। कारण क्या है? पुलिस के पास वही हथियार है जो अंग्रेजों की पुलिस के पास था और उस हथियार का नाम है इंडियन पुलिस एक्ट। उसी के आधार पर पुलिस आज भी अत्याचार करती है और निर्दोष नागरिकों को मारती है, पीटती है, उनको लहूलुहान करती है। आजादी के बाद भी हमारी पुलिस वैसे ही अत्याचार करे मां बहन बेटियों पर जैसे कभी अंग्रेजों की पुलिस किया करती थी, तो हम कैसे कहें कि हमारा देश। किसानों से जमीन छीनने के लिए एक कानून बनवाया, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उस कानून में यह व्यवस्था की गई कि किसानों की सारी जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाएं और अंग्रेज सरकार को दे दी जाएं। डलहौजी ने एक एक दिन में 21,000 किसानों से जमीनें छीनी। लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों की संसद में पारित हुआ, भारत में उसको लागू करा दिया गया। उस कानून में व्यवस्था क्या थी कि जिस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार एक नोटिस लगा देगी उसी दिन से वो जमीन अंग्रेजों की हो जाएगी। कोई किसान हजारों साल से जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रह रहा है, हजारों साल से उसके पुरखे और वो उस जमीन पर हल जोत रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी सरकार का कानून ये कहता है कि कल अगर उस पर नोटिस लग जाए सरकार का तो जमीन तुरंत वो किसान को छोड़ देनी पड़ेगी और सरकार को दे देनी पड़ेगी। तो इस कानून के आधार पर जमीनें छीनना शुरू किया और 10 करोड़ किसानों को डलहौजी और अंग्रेजों की सरकार ने भूमिहीन बना दिया, लाखों करोड़ों एकड़ जमीन उनसे छीन ली। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है, 50 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों से छीनी गई इस कानून के हिसाब से, भूमिहीन बना दिया किसानों को। वो लैंड एक्विजिशन का कानून डलहौजी के मरने के बाद, अंग्रेजी सरकार के चले जाने के बाद भी वैसे का वैसा ही चल रहा है और आज भी किसानों की जमीनें उस कानून के आधार पर छीनी जा रही हैं और किसानों को भूमिहीन बनाया जा रहा है। आप जानते हैं कभी भी सरकार का नोटिस आता है और गांव का गांव खाली करा दिया जाता है और गांव वालों को कहा जाता है तुम कहीं और चले जाओ, तुम कहीं और बस जाओ, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि इस जमीन पर शराब का कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि विदेशी कंपनियों को यहां कोई कारखाना लगाना है, ये जमीन सरकार को चाहिए क्योंकि भारत के बाहर के आए हुए कोई पूंजी निवेशक लोगों को ये जमीन की जरूरत है। किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं। आप सभी आजकल सुनते हैं ना, सरकार ने एक योजना बना रखी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज बनाना है, हजारों एकड़ जमीनें छीनी जा रही हैं, लाखों एकड़ जमीनें किसानों से छीनी जा रही हैं। कानून वही है जो अंग्रेजों के जमाने में था, लैंड एक्विजिशन एक्ट। बस अंतर इतना है
कि पहले गोरे अंग्रेजों के द्वारा वो कानून इस देश में चलाया गया, अब उसी कानून को काले अंग्रेज चला रहे हैं और लाखों लाखों करोड़ों किसानों को भूमिहीन बना रहे हैं और उनका जीवन दुश्वारियों से भरता चला जा रहा है। अगर हमारे देश में डलहौजी किसानों से जमीनें छीनता था और आजादी के बाद भी किसानों से जमीनें छिन रही हैं, तो हम कैसे कहें कि देश आजाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया या देश स्वाधीन हो गया। और ऐसे बीसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों कानून हैं। अंग्रेजों का एक कानून है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, जो उन्होंने लगाया इस देश के नागरिकों पर कि ज्यादा से ज्यादा पैसा छीनो। जब 1857 में क्रांति हुई थी ना, उस समय अंग्रेजों की संसद में एक बार बहस हुई कि भारत में यह क्रांति सफल कैसे हुई, तो उसमें एक कारण बताया गया कि भारतवासियों ने क्रांतिकारियों को पैसे का दान बहुत दिया, उसके कारण यह क्रांति सफल हुई। तो अंग्रेजों ने पता लगाया कि भारत के क्रांतिकारियों को कितना दान मिला, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के आंकड़ों के अनुसार भारतीय क्रांतिवीरों को 480 करोड़ रुपए का दान मिला था उस समय। तो इतना बड़ा धन क्रांतिकारियों को दान में मिला, तो अंग्रेजों की संसद की आंखें फटी रह गईं कि भारतवासियों के पास इसका माने दान करने के लिए पैसा है, तो भारतवासी आगे भी क्रांतिकारियों को दान करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने फैसला लिया कि जितना भी पैसा भारतवासियों के पास है ये सब छीन लो उनके हाथ से, ताकि दोबारा ये क्रांतिवीरों को दान न कर सकें और दूसरी कोई क्रांति भारत में ना हो सके। उसके लिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया, उसका नाम रख दिया इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, माने भारतवासियों की जो आमदनी है उस आमदनी के ऊपर टैक्स। भारत के इतिहास में हजारों वर्ष में कोई एक राजा ऐसा नहीं हुआ जिसने आमदनी पर टैक्स लगाया हो, कभी भी किसी राजा ने आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया। मुस्लिम राजाओं ने भी कभी भारतवासियों की आमदनी पर टैक्स नहीं लगाया। एक सबसे खराब मुस्लिम राजा जिसका जिक्र हम करते हैं, औरंगजेब, उसने जजिया कर लगाया था। जजिया कर का मतलब होता है गृह कर, हाउस टैक्स, घर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। तो औरंगजेब ने घर के ऊपर कर लगाया था, आमदनी पे उसने भी नहीं लगाया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के लोगों की आमदनी पे कर लगाया, और वो भी कर कितना लगाया, 97%। माने 100 रुपए की आमदनी किसी भारतवासी को हो तो 97 रुपए अंग्रेजों को देना पड़े, 3 रुपए सिर्फ उसके पास बचे। ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई, सारा पैसा भारतवासियों से लूट लेना ताकि भारतवासियों के हाथ में कुछ ना बचे तो वो क्रांतिकारियों को दान ना दे सकें, इसके लिए इनकम टैक्स का कानून आया इस देश में। अब मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि अंग्रेजों ने जो लूटने का कानून बनाया था वो कानून आजादी के बाद भी चल रहा है, इंडियन इनकम टैक्स के नाम से ही चल रहा है, और आज भी भारतवासियों से धन लूटा जा रहा है। बस अंतर इतना है, पहले गोरे अंग्रेजों ने लूटा था और उस धन को ले जाके लंदन में जमा किया था, अब काले अंग्रेज उस कानून के आधार पर धन लूट रहे हैं और स्विट्जरलैंड में ले जाकर उस धन को जमा कर रहे हैं। व्यवस्था वही की वही चल रही है, कानून वही का वही चल रहा है। अंग्रेजों ने सेंट्रल एक्साइज एक्ट बनाया, कोई भी भारतवासी किसी वस्तु का उत्पादन करे तो उस पर 350% एक्साइज ड्यूटी। अंग्रेजों ने सेल्स टैक्स लगाया, अंग्रेजों ने रोड टैक्स लगाया, टोल टैक्स लगाया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लगाया, और ऐसे 23 तरह के टैक्स कानून लगाकर इस देश के नागरिकों को जमकर लूटा लगभग 190 वर्षों तक। अब अंग्रेजों ने ये सब कानून बनाए थे भारत को लूटने के लिए, तो आजादी के बाद होना ये चाहिए था कि ये सारे कानून खत्म किए जाएं, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, सेंट्रल एक्साइज खत्म किया जाए, रोड टैक्स, टोल टैक्स खत्म किया जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स खत्म किया जाए। तो होना तो ये चाहिए था कि अंग्रेजों के लगाए गए 23 तरह के टैक्स खत्म किए जाए, लेकिन हमारे काले अंग्रेजों ने इसका उल्टा किया। काले अंग्रेजों ने अब इस देश पर 64 तरह के टैक्स लगा रखे हैं और देश को लूट रहे हैं। अंग्रेजों ने भी जितना नहीं लूटा होगा उससे कई गुना ज्यादा काले अंग्रेज, भ्रष्टाचारी नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारी इस देश को लूट रहे हैं, और इसी लूट के दम पर इन्होंने विदेशी बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जिसको वापस लाने का संकल्प भारत स्वाभिमान अभियान ने किया हुआ है।
दुख और अफसोस इसी का है कि व्यवस्था वही चल रही है, कानून वही चल रहे हैं। अब लैंड एक्विजिशन एक्ट वही है, टैक्स के कानून वही हैं, शिक्षा का कानून वही है, जंगल का एक कानून अंग्रेजों ने बनाया था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, इसमें क्या किया गया, पहले हमारे देश में जंगल ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, अंग्रेजों ने कानून बनाकर अंग्रेजी सरकार की संपत्ति बना दिया जंगलों को। परिणाम क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने जंगल कटवाना शुरू किए और वो कटते कटते जंगल आज इस देश में बहुत थोड़ी मात्रा में रह गए। आंकड़े बताते हैं, दस्तावेज बताते हैं कि भारत में जितने कुल जंगल थे उसमें से मात्र 33% जंगल अब बचे हैं, 67% जंगलों को काट काट के नाश मार दिया है। और अंग्रेजों ने सबसे पहले जंगल काटने के लिए एक विदेशी कंपनी को लाइसेंस दिया था और वो कंपनी सिगरेट बनाती थी, सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है और उस कागज को बनाने के लिए लकड़ी लगती है, लकड़ी के लिए पेड़ लगता है, तो पेड़ों को सबसे पहले काटा गया इस देश में सिगरेट का कागज बनाने के लिए। जिस कंपनी को अंग्रेजों ने भारत में सिगरेट का कागज बनाने के लिए जंगल काटने का अधिकार दिया था, वो कंपनी आजादी के बाद भी इस देश में जंगलों को काट रही है, सिगरेट बना रही है, कागज के लिए पेड़ों को बर्बाद किया जा रहा है और देश के पूरे पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है। इसी तरह के कई कानून हैं इस देश में। बहुत हंसी आती है कि अगर आप जंगल के किसी प्राणी के ऊपर प्रहार करें और गलती से उसकी हत्या हो जाए तो आप बहुत जल्दी जेल भेज दिए जाएंगे, लेकिन उस जंगल में रहने वाले किसी आदिवासी वनवासी का आपके किसी कारण से मरना हो जाए या उसका जीवन समाप्त हो जाए तो व्यवस्था खामोश है, मौन है, व्यवस्था के पास कोई जवाब नहीं है उसका। वन्य प्राणी जीवित रहना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश का इंसान भी जीवित रहना चाहिए, इसमें भी दो राय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणी का जितना महत्व है इंसान का महत्व उससे कोई कम नहीं है। इंसान और प्राणी दोनों भगवान के बनाए हुए जीव हैं, दोनों को जिंदा रखना और उनकी व्यवस्था करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार उसको नहीं निभा पा रही है क्योंकि कानून ऐसा है। ऐसे इस देश में 34,735 कानून हैं। मैं किस किस को बताऊं और किस किस को छोड़ूं? इसलिए ये सारे कानून जब तक इस देश में चलेंगे हम नहीं कह सकते कि भारत स्वतंत्र हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत आजाद हुआ है, हम नहीं कह सकते कि भारत स्वाधीन हुआ है। अंग्रेज भाग गए लेकिन अंग्रेजियत बची।